सार्वजनिक हो कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आज डर का दूसरा पर्याय बन चुका है। चीन के वुहान शहर से फैला ये वायरस कितना खतरनाक है और इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसका अंदाजा इटली, ईरान और स्पेन में हुई हजारों मौतों से लगा सकते हैं। भारत इस वक्त कोरोना वायरस के दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज पर पहुंचने की दहलीज पर खड़ा है। जी हाँ, तीसरी स्टेज यानी कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग, जिसमें ये पता नहीं चलता कि आखिर संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण हुआ कैसे, आखिर संक्रमण का सोर्स क्या है। यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में संक्रमित लोगों के आंकड़े कम है, लेकिन WHO ने भारत में कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा है, अगर उस पर नजर डाले तो भारत में स्टेज 3 शुरू हो चुकी है लेकिन सामने नहीं आ रही। इसका कारण बाकी देशों की तुलना में भारत में कोरोना के टेस्ट बेहद कम हो रहे हैं। टेस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जो या तो विदेश से यात्रा कर लौटे हैं या फिर जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। ऐसे में पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया ताकि लोग बाहर कम जाएं और कम ही लोगों के संपर्क में आए। लेकिन हमें किन लोगों के संपर्क में आने से बचना है, ये कैसे पता चले? भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आता है या विदेश यात्रा कर वापस भारत लौटता है तो ऐसे लोगों को 14 से 15 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रखा जा रहा है। उसके बाद उनकी जांच की जाती है। लेकिन सवाल यही कि कैसे जाने कि क्या हम किसी संक्रमित या संदिग्ध के संपर्क में आए हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप खुद ये जान जाएंगे तो खुद को आइसोलेट कर खुद को भी और अपने आसपास मौजूद लोगों को भी संक्रमित होने से बचा सकते हैं। ऐसे में ABC न्यूज आप लोगों से आपकी राय जानना चाहता है। क्या सरकार को संक्रमित लोगों के नाम, चेहरे और पता सार्वजनिक कर देने चाहिए? इससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही देश में कोरोना के संक्रमित लोग कितने हैं इसका भी सही आंकड़ा देने में मदद मिलेगी। अब इस वक्त जरूरी है कि कोरोना से संक्रमित इंसान का इलाज तो किया ही जाए, लेकिन कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की पहचान जनता को कैसे हो, इसे लेकर भी कदम उठाए जाए। हालांकि मौजूदा समय में सरकार की ओर से कोरोना मरीजों के घर के बाहर नोटिस लगाए जा रहे हैं और मरीजों के हाथ पर चुनावी शाही से एक स्टैंप भी लगाया जा रहा है। लेकिन पूरे देश के कोने कोने से जो कोरोना के मरीज हैं, उनके बारे में वो लोग कैसे जान पाए जो इन कोरोना पीड़ितों से मिले हैं, उनके लिए ये जान पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का नाम सार्वजनिक होता है तो उन लोगों की आसानी से पहचान हो सकेगी। अपने देश के नागरिकों को यूं बेमौत मरते देखना किसी भी देश के लिए बड़ा ही निराशाजनक है, लेकिन कोरोना से लड़ने की कोई रणनीति ना होने के कारण सभी देश इसके आगे बेबस हो चुके हैं। भारत में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जब कोरोना की दूसरी स्टेज में मरीजों की संख्या इस गति से बढ़ रही है तो तीसरी स्टेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन विदेशों से आकर लोग छिपकर अपनी सोसाइटी में पहुंच जाते हैं और फिर उनके संपर्क में आने वाले हजारों लोग संक्रमित होते हैं। आखिर क्यों? विदेश से आने के बाद लोग अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। यह अज्ञानता का परिचय ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए खतरे की घंटी है। ABC न्यूज इसी संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का सहयोग चाहता है। हमें नहीं पता कि हमारे आसपास कौन कब कहां से आया, किसके संपर्क से आया या फिर वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इसीलिए जब इनकी एक सूची बनाकर सार्वजनिक की जाएगी तो इनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति खुद को आइसोलेट करके और टेस्टिंग के माध्यम से कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद कर सकता है। ऐसे में ABC आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता है कि हमारी मुहिम में सहयोग दीजिए और इस अपील की गंभीरता को समझिए। कोरोना वायरस से संक्रमित होना अपराध नहीं, लेकिन जाने अनजाने में अपने माध्यम से किसी और तक संक्रमण को फैलाना जिससे किसी निर्दोष की जान चली जाए, ये जरूर एक अपराध हो सकता है।